विचार को लेकर दुनिया कोने कोने में जाए, वो हमने राष्ट्रपत्रा के माध्यम से उसको पूरा किया। और जब कांस पिछले लेके गए तो क्रांतिकारी विचारधारा की पहली फिल्म है भारत की क्रांतिकारी हुई जो कांस की पिक्चर रिलीज हुई, जो पहले फिल्में बहुत बनी है ये कांस नहीं गई, फिल्म यहीं पर चली या सफलता मिला नहीं मिला अलग बात था। राष्ट्रपुत्र भारत के इतिहास की पहली फिल्म है क्रांतिकारी विचारधारा की, चर्चा आज़ाद की वजह दिखा जाए तो उनकी विचारों पर बनने वाली पहली फिल्म है। ऐसे पहली फिल्मों में भगत सिंह फिल्म आज़ाद का व्यक्तित्व उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट को इस्तेमाल करते थे, तो आज़ाद आ रहे जा रहे, पहली बार आज़ाद को लोगों ने देखा और जम के सराहना मिली, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। जो विचार था कि आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के पटल में लेके जाऊँ, वो लेके गए और सफलता मिली, अच्छा लगा उनको, मतलब उनको लगा कि कुछ नई चीज़ें भारत की तरफ से आई है। वैसे राष्ट्रवाद की विचारधारा पूरा देश उत्प्रोत है, तो राष्ट्रपुत्र के माध्यम से चरम राष्ट्रवाद का विस्फोट भी देखा उन्होंने कि भाई देश के लिए जान दो और देश के लिए ही जियो, ये थॉट पूरी पिक्चर का था, उनको अच्छा लगा। हमारा मानना है कि दुनिया की हर कंट्री की हर राज्य के लोगों को अपने देश के लिए सोचना चाहिए और जो देश जुड़ने वाला थॉट हो उसी पे काम करना चाहिए। अगर आपकी देखा जाए तो मैं भोसला मिडिल स्कूल नासिक का स्टूडेंट रहा हूँ, और संघ का पहला स्कूल देखा जाए तो भोसला मिडिल स्कूल रहा, डॉक्टर कासिम मुंजी 1938 में इस्टेब्लिश किया था, तो वहाँ पर 7-8 साल रहना, कई साल रहने का जो हमने अडॉप्ट किया था कि भाई देश में एक और विचारधारा चलती है जहाँ पे अपनी बातों को देश जोड़ने के लिए कट्टरता से मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, तो मैंने क्रिएटिव माध्यम चुना और जो मैंने मिडिल स्कूल में सीखा था और जो वहाँ से आने के बाद दुनिया में देखा कि भारत भर में कैसा भ्रमण किया मैंने, कई चीज़ों की कमी लगी कुछ चीज़ लगा, तो मैंने उसको फिल्म के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की। और जो आज़ाद की लाइफ है बचपन से आपके साथ किया था, मिलिट्री का थॉटी हुई होता है, सुभाष चंद्र बोस भी आज़ादी विचारों को चल के आज़ाद हिंद बनाया और देश के लिए काम किया, ऐसे कई चीज़ें थी जो पैदाइशी या कह सकते हैं कि शिक्षा के दरमियान भी हम मैंने आत्मसात किया और फिल्म के माध्यम दिखाने की मैंने कोशिश की और सफलता मिली उसकी। देखिए किसी भी इंसान को अगर पुरुषार्थवादी विचारधारा का होगा या राष्ट्रवादी विचारधारा से होगा, जब भी अगर उसको कोई भी कहे कि भाई राष्ट्र आज़ाद का किरदार करना है, तो जाहिर है कि जो प्रसन्नता उसको मिलेगी उससे बड़ी खुशी संसार में दूसरी कोई नहीं हो सकती। जो आज़ाद को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नरम दल विचारधारा यानी जो गांधीवाद के दरमियान जो नरम दल विचारधारा चले उसकी वजह से क्रांतिकारी को सम्मान मिला ही नहीं। अरे आज़ाद की बात नहीं करता, वो भगत सिंह भी हो गए, सुखदेव भी हो गए, प्लस मतलब कई वो नाम है जो लेना ठीक है इस वक्त, मतलब आज़ाद के विचारों पर हम लेके चले और जो सफलता मिली उसका कारण ये है कि हमारे पूरी बॉम्बे टॉकीज़ ने, बॉम्बे टॉकीज़ निर्माता है कामनी दुबे, उनका भी साथ हमको मिला, टीम वर्क मिला और भारत के चाहे जेएनयू से लेके बीएचयू से लेके इलाहाबाद हर यूनिवर्सिटी के लोगों का भी साथ हमको मिला ताकि जो कमियाँ रहे दूर हो। जब इलाहाबाद शूट करने गए तो उनका इतना प्रसन्नता थी कि पहली बार कोई आज़ाद में काम कर रहा है वहाँ रह के काम कर रहा है, वो जहाँ से शूट किया रहे काम की चीज़ बड़ी अच्छी थी, लोग साथ मिला तो नतीजा था कि फिल्म अच्छी बनी। दबाव बहुत ज़्यादा रहता है अभी के समय में, एक्चुअली जो आम लोग होते हैं नॉर्मली के डिपार्टमेंट एक पता है दुनिया है हिंदुस्तान के अंदर, वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से गलत चीज़ देखना चाहती है। हम लोग ने एंटरटेनमेंट के माध्यम से सबको जोड़ने वाली फिल्म बनाने की कोशिश की आज़ाद, जब जैसे मैं जेएनयू कार्यक्रम किया था मैंने पिछले साल 2017 में, तो लोगों ने इतना प्रतिसाद किया जेएनयू जहाँ पर आज़ादी की आज़ाद का थॉट मैंने चलाया कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, या बंधन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अब जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, ये थॉट लेके आया, इसकी वजह से जो पूरे देश माहौल बना उसके उसमें सफलता मिली। होली भी देखा जीता जागता उदाहरण है, उसको सफलता मिलने के कारण ये था देश में राष्ट्रवाद यानी जो पाकिस्तान में जो घटनाएँ हुई उनका आक्रमण करना या उनको तकलीफ देना या अपने सैनिकों पर को पत्थर मारा जो भी चीज़ थी, तो उसका हमने जो जवाब दिया वो जवाब का ही प्रतिसाद उरी भी है और राष्ट्र। अच्छा पहली बात तो हाँ मुझे पता नहीं था कि वहाँ जाने के बाद कि ये क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों की पहली मूवी है जो वहाँ पर चल रही है, ये तो मैं सरप्राइज समझ लगा शायद पहले चल चुकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बना, प्लस उधम सिंह बने, भगत सिंह के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, तो मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो कोई आया नहीं, यानी क्रांतिकारी का जो थॉट क्रांतिकारियों का विचार था वहाँ पर दिखाया जाए तो वहाँ के लोगों के पहली बार उनके सामने आया, जो उनको अच्छा लगा कि आज़ादी के पहले लोग कैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए किस तरह काम करते थे, भूखे नंगे रहते थे, खाने का ठिकाना नहीं होता था, प्लस गद्दारियाँ कितनी दिक्कतें थी, जो दूसरे जो उनके संपर्क जो पैरेलल पॉलिटिक्स करना लोग थे उन्हें चाहते थे आज़ाद या भगत सिंह की विचारधारा उन पर हावी हो जाए और उनका योगदान दब जाए, और कितनी चीज़ें मैंने टच करने की कोशिश की राष्ट्रपति के माध्यम से, कितने महान महान लोग देश के यहाँ पर जितने भी देखा जाए, जितने भारत की राजनीति के अंदर जितने लोग सफलता प्राप्त किए, चाहे नेहरू है कोई भी, इन्होंने कभी भी किसी क्रांतिकारी मुकदमा नहीं लड़ा, जबकि ये लॉयर थे, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, ये इतने लोग ऐसे लॉयर थे, लेकिन इन लोगों ने कभी भी किसी भी क्रांतिकारी कोई मुकदमा नहीं लड़ा,
ये अपने आप में वैचारिक द्वंद्व है जो आने वाले कल में आप लोग सामने आएगा और मैं तो दिखा दिया, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए कि जितने भी लोग थे उस जमाने आपस में तालमेल करके आगे लड़ने लड़े, इसकी वजह से यंग और जवान थे जो जोश में काम करके, खुदराम बोस 18 साल का बच्चा तो मारा गया क्योंकि उसको मदद कहीं से मिली नहीं। ऐसे कई लोग की को जो मदद मिली थी जो उस दरमियान जो राजनीति में संघर्ष चल रहे थे उन्होंने सहयोग नहीं किया, ये तो मुझे आज़ाद पे काम कर रहे दरमियान मालूम पड़ा। प्लस बॉम्बे टॉकीज के साथ ही कामनी दुबे का सहयोग उनको मिला, पूरी बॉम्बे टॉकीज एंटायर जो टीम थी एक्साइटेड थी बॉम्बे टॉकीज पुनर्वापसी के साथ में और आज़ाद पे काम करने के लिए। इस बात मुझे खुशी है कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी की वापसी अगर हुई है उसमें मुझे काम करने का मौका मिला और मेरे तरीके से काम करने का मिला, पूरी छूट के साथ काम करने मिला। इस बात मैं भाग्यशाली हूँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले कल में भी ऐसी अच्छी फिल्म बॉम्बे टॉकीज बनाए और जो भी बॉम्बे टॉकीज के लिए जो काम करने का मौका मुझे दोबारा मिलेगा मैं खुशी हूँ।